हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका ज्योति नेचर केयर में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेथी दाना खाने के 10 ऐसे कुछ चमत्कारिक फायदे, जिसे जानकर आपका मेथी दाना खाने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिया बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक जल्द से जल्द पहुँचा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए हम रोज नए नए तरीके आजमाते हैं। कई बार बॉडी को फिट रखने के लिए घंटों जिम में एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यदि आप भी इस सभी चीज़ों को आजमा कर थक चुके हैं, तो हम आपको बताने वाले हैं मेथी दाना के 10 ऐसे उपाय, जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रसोई में इस्तेमाल की जाने वाली मेथी औषधीय गुणों से भरपूर है। भले ही मेथी के दाने छोटे हैं, लेकिन इनमें स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। वर्षों से जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग होने वाली मेथी में फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस और लोह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। मेथी के दानों की तासीर गर्म होती है, इसलिए सब्जी बनाते समय बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर आप मेथी दाने का सेवन करते हैं, तो बहुत कम मात्रा में सेवन करें। क्या आपको पता है मेथी दाना गठिया में बहुत फायदेमंद होता है? आप अक्सर देखते होंगे कि आपके दादा दादी या नाना नानी को जोड़ों में दर्द होने लगता है, ऐसे में आप मेथी दानों का सेवन कर सकते हैं। आप मेथी दाने को भूनकर पीस लें। अब इस चून को आप सुबह और शाम दोनों समय आधा चम्मच ले सकते हैं। आपको उम्र के साथ साथ जोड़ों में होने वाली परेशानी या गठिया में बहुत आराम मिलेगा। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका कई लोग शिकार हो चुके हैं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए मेथी एक वरदान स्वरूप है। इसमें मौजूद गैलेक्टोमेनन नामक तत्व डायबिटीज से मुक्ति पाने में मदद करता है। साथ ही आपकी परेशानी को समाप्त करने के लिए मेथी के पत्तों का रस निकालकर सुबह शाम पीने से डायबिटीज में बहुत ही आराम मिलता है। मेथी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण पाए जाते हैं। इसमें हानिकारक LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यदि वह कोलेस्ट्रॉल है जो रक्त वाहिनियों में जमा हार्ट अटैक पैदा कर सकता है, मेथी में मौजूद फाइबर गैलेक्टोमेनन के कारण रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में मदद मिलती है। मेथी आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। इसमें म्यूसिस होता है। यह चिपचिपा पोषक पदार्थ होता है जो आपकी त्वचा को शुष्क होने से बचाता है। साथ ही मेथी का पेस्ट चेहरे पर लगाने से यह आपके चेहरे के दागों को दूर कर सकता है और आपके रंग को निखारता है। यह सेपोनिन एक्सपोजर के बाद त्वचा में कोशिकाओं में आई सूजन को कम करने में मदद करता है। मेथी हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें बहुत सारे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं। यह हमारे शरीर में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। इसमें उपस्थित फाइबर घुलनशील होता है, जिसे आसानी से पचाया जा सकता है। मेथी का चाय के रूप में उपयोग करने से हम अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और कब्ज के लिए आप मेथी का काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह यह आपके पाचन और पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद करता है। मेथी में बुखार कम करने के गुण विद्यमान होते हैं। यदि आप बुखार से पीड़ित हैं, तो आप मेथी, शहद और नींबू के रस को घोल का सेवन करें। यह आपके शरीर में अधिक तापक्रम
और कमजोरी को दूर करने में सहायता करेगा। साथ ही यह मिश्रण आपके गले की खांसी और सिर दर्द में राहत दिलाने में मदद करेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो मेथी का पानी आपके लिए बहुत मददगार है। यह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करेगा और इससे जुड़ी अन्य समस्याओं में भी हल करेगा। मेथी के बीज मासिक धर्म के दर्द के साथ साथ माहवारी के साथ जुड़े अन्य लक्षणों के दर्द को कम करने में मदद करता है। साथ ही मेथी में डायोस्नेजेनिन नामक पदार्थ होता है जो एस्ट्रोजेन के सामने व्यवहार करता है। साथ ही यह तनाव, चक्कर आना, नींद की कमी और रजोनिवृत्ति के लक्षणों को काटने में मदद करता है। अगर आप रोजाना मेथी दाने का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में होने वाली जलन से छुटकारा पा सकते हैं। मेथी के पत्तों को अच्छी तरह पीसकर पानी में घोल कर पी जाए और शरीर पर लेप करें, इससे शारीरिक जलन में राहत मिलती है। शरीर में कहीं भी जलन, दाह, भपका हो तो जलन वाले स्थान पर मेथी के पत्तों या मेथी दानों को पानी में चटनी की तरह पीसकर लेप करें अथवा 4 चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में भिगोकर छान ले। रोजाना 2 बार पीने से आंतरिक जलन दूर होती है। मेथी के दानों को बारीक पीसकर उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाकर चूर्ण बनाया जाता है जो कि वात रोग, पेट दर्द तथा जोड़ों के दर्द में लाभदायक होता है। मेथी को घी में भूनकर पीसकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर 10 दिन सुबह शाम खाने से वात रोग में लाभ होता है। मेथी के पत्तों को भुजिया या सूखा साग बनाकर खाने से पेट के वात विकार और आंतों की सर्दी में लाभ होता है। तो दोस्तों, मेथी दाना खाने के फायदों के बारे में आप जान ही चुके होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेथी दाने का सेवन सभी के लिए फायदेमंद हो। कुछ लोगों को इसके नुकसान भी हो सकता है। खास तौर से जो लोग ब्लड शुगर या डायबिटीज़ के मरीज हैं, उन्हें इनका सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह शुगर के स्तर को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।